हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विगीज किचन। आज मैं आपके साथ बैगन के भरते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए हमें ये वाला बैगन चाहिए। इसको मैंने चारों तरफ से चीरा लगा लिया है। इससे हम इसे चेक भी कर लेंगे कि इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। हमने इसे चेक कर लिया अच्छे से। और अब मैं इसमें ये मिर्च डाल दूंगी। ऐसी हमें दूसरी तरफ भी ये वाली मिर्च इसमें डाल देंगे। लहसुन की 5-6 कलियां हैं, इन्हें मैंने छील लिया है। इसे भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। जब हम बैगन को भूनेंगे तो ये भी अच्छे से भुन जाएंगे और भुने हुए का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा लहसुन और मिर्च के साथ। चलिए हम इसे भून लेते हैं गैस पर, लेकिन इससे पहले इसमें पूरे में अच्छे से तेल लगा लेंगे। अब इसे हम गैस पर रख देंगे। चलिए अब मैं गैस जला लेती हूँ और ये बैगन को इसके ऊपर रख दूंगी। इसे हम उलट पुलट कर ऐसे ही सेक लेंगे। देखिए ये आधा भुन चुका है, आधा भुनना अभी बाकी रह गया है। जब ये फोक से अच्छे से पूरा दबने लग जाएगा तब हम इसे गैस से उतार लेंगे और इसके छिलके को निकाल लेंगे। अभी इसे थोड़ा सा और भुनने देते हैं। देखिए हमारा बैगन अच्छे से भुन गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अच्छे से मैश हो रहा है पूरा और इसके छिलके को अब हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैं इसे पूरा छील लूंगी और इसका ये डंठल काट के अलग कर देंगे हम। इसकी जो भुने हुए की खुशबू आती है, एक स्मोकी फ्लेवर जो आता है इसमें, वो बहुत ही औसम लगता है। ये देखिए इसका छिलका पूरा मैंने निकाल दिया है और अब इसे फोक से मैं अच्छे से मैश कर दूंगी। और इसके साथ ही ये मिर्च और लहसुन भी मैश हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज कट कर ली है और ये 2 टमाटर कट कर रहे हैं और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस कर लें या पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़े से मटर लिए हैं, ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं। चलिए अब हम कुछ मसालों के साथ इसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग। अब मैं ये प्याज डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी भुन गई है। अब मैं इसमें ये अदरक डाल दूंगी और इसे भी हम भून लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी और मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मटर भी गल जाएगी। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे टमाटर और मटर दोनों अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल दूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करी थी, इसलिए मैं यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये मैश करे हुए बैगन को इसमें ऐड कर दूंगी और इसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूंगी।
और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हमने भून लिए हैं, बैगन हमने पहले ही भून लिया था इसलिए हमें इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये हाफ लेमन जूस। और अब लास्ट में यहाँ पर धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी। लीजिए हमारा बैगन का भरता रेडी है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चटपटा बैगन का भरता रेडी है, ये मेरा फेवरेट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें।